मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों को कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपसे अल्लाह ताला मोहब्बत करे और आपकी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। यकीनन ये बहुत बड़ी नवीद है, खुशखबरी है। इत्तिबा करने वाले जानते थे कि आपके हर हुक्म की पैरवी करनी है, चाहे आप ज़बानी तौर पर हुक्म दें, अमली तौर पर करके दिखाएं। इस वजह से वो कभी अपनी बात को रसूलुल्लाह की बात के ऊपर नहीं रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने फलां मसले में राय से काम लिया, अगर वो दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की तरफ से, अगर गलत है तो मेरे और शैतान की तरफ से, और अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फतवा देते हुए कहते हैं कि अपने इल्म के मुताबिक छानबीन कर ली है, अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए तो ये मेरी कोताही और शैतान के बहकाने की वजह से, इससे अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक नहीं। तमाम लोगों को इस बारे में ज़रूर देखना चाहिए, फतावा देने वालों को भी और कबूल करने वालों को भी। जुर्म है, घिनौना जुर्म है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई फतवा देना या अपनी राय से फतवा देना, और इसकी सज़ा बदतरीन अज़ाब के सिवा कुछ नहीं। कभी अपनी बात को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना खयानत है और खयानत अल्लाह ताला को कभी पसंद नहीं रही। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को कबूल करने, उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।